हेलो एवरीवन वेलकम टू द फर्स्ट माइक्रोलेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटरैक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड वीडियो लेक्चर्स सो लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ फिजिक्स द रोटेशनल मोशन तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है रोटेशनल मोशन में कि अब ना चीजें घूमेंगी अभी तक यह हो रहा था कि चीजें सीधा सीधा मोशन कर रही थी जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता था तो वो इस तरह से मूव करता था कि उसका हम सेंटर ऑफ मास का मोशन कंसीडर करके पूरा मोशन डिस्क्राइब कर सकते थे मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का मोशन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन से डिस्क्राइब हो सकता था जिसे हम ट्रांसलेशन मोशन बोलते थे मतलब एक बड़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है उस पूरा ऑब्जेक्ट ने जो मोशन करा उसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम हटा करके सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो बहुत सिंपल हो जाती थी चीजें पर अभी ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट है घूमेगा जैसे फैन होता है फैन रोटेट करता है कोई भी गेट होता है हमारे घर का वो रोटेट करता है तो इस तरह से जो चीजें हैं अब घूमेंगी भी कहीं कहीं पे हम आगे चल के पढ़ेंगे कि चीज़ें चल भी रही है मतलब उनका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है और वो वाली चीज़ें घूम भी रही है मतलब किसी एक एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रही हैं मतलब ट्रांसलेशन भी हो रहा है रोटेशन भी हो रहा है तो हम इतना समझ गए हैं क्या हम काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे ट्रांसलेशन से रिलेटेड रोटेशन से रिलेटेड दोनों के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसलेशन और रोटेशन में क्या अंतर है मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि क्या ट्रांसलेशन में एक ऑब्जेक्ट के एंगुलर वेरिएबल सेम रहते हैं या लीनियर वेरिएबल सेम रहते हैं सोचिए आप अपने दिमाग में मैं आपसे सबसे पहले पूछ रहा हूं कि क्या ट्रांसलेशन मोशन ये मोशन होता है जिसमें सीधा ऑब्जेक्ट जा रहा है हाँ ये ट्रांसलेशन मोशन है इसमें सीधे तरह से ऑब्जेक्ट जा रहा है क्या ये रोटेशन मोशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है मेरे पास एक पेन है उस पेन को अगर मैं रोटेट करा रहा हूँ तो क्या ये रोटेशन मोशन है हाँ ये रोटेशन मोशन है क्या ये ट्रांसलेशन मोशन है हाँ ये ट्रांसलेशन मोशन है पर हम देख के ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन को बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं क्या हम इसका एक स्टैंडर्डाइज तरीका बता सकते हैं कि किस मोशन को हम ट्रांसलेशन बोलेंगे किस मोशन को हम रोटेशन बोलेंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो क्या उसके लीनियर वेरिएबल्स मतलब उसके हर पॉइंट के एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सपोज वही पेंसिल मूव कर स्ट्रेट लाइन में तो उसके हर पॉइंट के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं रिजिड बॉडी में उसके हर पॉइंट्स के लीनियर वेरिएबल सेम रहेंगे या एंगुलर वेरिएबल सेम रहेंगे आई थिंक द आंसर इज एंगुलर वेरिएबल नहीं बेटा अगर आप सोच रहे हैं कि एंगुलर वेरिएबल सेम होंगे तो नहीं प्योर रोटेशन जब होता है तो उसमें एंगुलर वेरिएबल सेम होते हैं मतलब ओमेगा अल्फा और जो थीटा है वो सारे पॉइंट्स के लिए सेम होता है जब यहां से यहां तक इस तरह से रोटेशन होगा तो मेरे हैंड का हर पॉइंट सेम एंगल घूमेगा ये होता है रोटेशन में तो हम देखते हैं कि लीनियर वेरिएबल सारे पॉइंट्स के क्या रहने वाले हैं सेम रहने वाले हैं क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन वो मोशन होता है जिसमें हम सारे पॉइंट्स को एक पॉइंट्स पे रखा हुआ एक पॉइंट पर रखा हुआ मान सकते हैं अगर एक पॉइंट पर रखा हुआ मान लिया इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सेम वेलोसिटी सेम डिस्टेंस सेम एक्सिलेशन सारों का सेम रहेगा तो सबको अलग अलग डिफाइन करने से अच्छा एक ऐसा पॉइंट जिस पर सारा मास अज्यूम किया जा सके जिसे हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं उस पॉइंट पे रखा हुआ सबको मान सकते हैं अब जब सेंटर ऑफ मास जैसा मूव करेगा वैसे ही सारे के सारे पॉइंट्स मूव करेंगे अगर सेंटर ऑफ मास इस तरह से ऐसे जा रहा है तो देखिए सारे पॉइंट्स सेम मोशन सेम प्रजेक्ट्री फॉलो कर रहे हैं ट्रांसलेशन मोशन में ये जो मोशन है ये ट्रांसलेशन मोशन है समझ में आपको पक्का अब जैसे यहां पर देखिए तो फिर सर रोटेशन मोशन क्या है ये भी तो सर्कल में ही घूम रहा है नहीं ये सर्कल में नहीं घूम रहा है इसके पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल में घूम रहा है ठीक है पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है एक सर्कल में घूम रहा है मतलब सारों का जो सर्कल बन रहा है किसी भी पॉइंट का सर्कल बना लेंगे इस पॉइंट का नीचे वाले पॉइंट का किसी भी पॉइंट का जब हम सर्कल बना लेंगे सबका सर्कल सेम रेडियस का बनेगा ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाला पॉइंट अगर दोनों का सर्कल बनाएंगे तो सबका सर्कल सेम रेडियस का बनेगा समझ में आया क्या आपको तो अगर हम इसी चीज को दूसरे तरह से देखें कि रोटेशन मोशन क्या होता है रोटेशन मोशन वो मोशन होता है जिसमें सारे पार्टिकल्स के एंगुलर वेरिएबल सेम होते हैं सबका पाथ सेम नहीं होता है पर सबका पाथ सिमिलर सिमिलर होता है सिमिलर मतलब सिमिलर ट्रेंगल थ्योरम बचपन में पढ़ते थे एक छोटा सा ट्रेंगल एकदम सिमिलर है बड़े ट्रेंगल के तरह है। तो उन सबका पाथ सिमिलर होता है सेम नहीं होता है ओके तब यहां पे देखिए जैसे इसे मैंने रोटेशन मोशन कराया तो यहां से इस तरह से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोशन करा रहा हूं तो हमने देखा कि यहां से यहां तक आने में ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन हुआ है वो ऑलमोस्ट 60 डिग्री के अबाउट हुआ है देखिए ये 60 डिग्री रोटेट हुआ है या फिर मैं ऐसे कर दूं तो यहां से यहां तक में ये नाइन्टी डिग्री रोटेट हुआ है तो 90 डिग्री रोटेट होने में क्या सबसे ज़्यादा चेंजेस जो हमने ऑब्जर्व करे हैं वो ये है कि इसका ये वाला टिप बहुत ज़्यादा मूव हुआ है मतलब इस टिप ने ये वाला पाथ कवर करा है अगर हम इसके सेंटर की बात करें तो उसने ऐसे पाथ कवर करा है और इधर कॉर्नर के मतलब जहां हिंज है जिस पॉइंट के बाउट घुमा रहे हैं वहां के पास वाले पॉइंट की बात करें तो उसने छोटा सा ऐसे पाथ कवर करा है पर सबने एंगल सेम कवर करा है सबने एंगल सेम कवर करा है सबने सेम एंगल सेम टाइम में कवर करा है देखो जैसे यहां से सपोज एक सेकंड में यहां आ गया तो सारे पार्टिकल एक सेकंड में 90 डिग्री कवर कर चुके हैं तो सबने 90 डिग्री कवर करा है सबने एक सेकंड में 90 डिग्री कवर करा है तो सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा सेम होगा मतलब सबके एंगुलर वेरिएबल्स सेम आ रहे हैं मतलब रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन में सारे पार्टिकल्स के एंगुलर वेरिएबल सेम होते हैं अगर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है प्योर प्योरली ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे सारे पार्टिकल्स के लीनियर वेरिएबल सेम होंगे ठीक यहां तक हमने सबको समझ में आ गया एंगुलर वेरिएबल सेम, रोटेशन लीनियर वेरिएबल सेम ट्रांसलेशन ओके अब ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन को इस चैप्टर में हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि रोटेशन मोशन कराने के लिए क्या इनर्शिया मिलता है किस तरह से हमें रेजिस्टेंस शो करती है एक बॉडी क्योंकि हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट को जब हम इस तरह से रोटेट करते हैं पर इस तरह से रोटेट करते हैं तो एक इस ऐसे करना थोड़ा सा आसान है ऐसे रोटेट करना थोड़ा सा मुश्किल है पेन को अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे घुमा रहे हो तो थोड़ा सा आसान है आप करके भी देख सकते हैं ये वाली चीज़ और क्यों आसान है किस तरह से आसान है और क्यों मुश्किल है एक्सिस के अबाउट एक एक्सिस के अबाउट इस चीज़ का जवाब हम जानेंगे हमारे अगले माइक्रोलेक्चर में जो कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे तो इस तब तक आप थोड़े से क्यूरियस रहिए चलिए मिलते हैं अगले माइक्रोलेक्चर में तब तक के लिए बाय